सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के पल्टीपुर गांव में 200 लोगों के बीच में एक भी हैंडपंप न होने के कारण सुंदर सहित 200 लोगों को पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ समस्या है, सबसे पहले पानी की जरूरत है, उठो सवेरे पानी की जरूरत है, चट्टी जाओ पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, खाना नहीं बनता, पानी नहीं है तो खाना कहाँ बनी, जानवर सब प्यासे मरते हैं, पानी नहीं है, न हैंडपंप है, और हैंडपंप है तो बहुत दूरी है, कम से कम 300-400 मीटर के दूरी में है। और समस्या ये है कि यहाँ कम से कम 100-150 लोग पानी से परेशान हैं। समस्या हमारे यहाँ पानी की है, पानी जो है यहाँ पर हैंडपंप भी नहीं है। मान लो जो बम्बा है 300 मीटर दूरी पर है, वह पानी छोड़ देता है, पानी भी नहीं देता है, नहाने धोने में दिक्कत होती है, पानी की व्यवस्था कमजोर है, यहाँ पर पानी है ही नहीं। प्रधान है, जैसे मान लो प्रधान से कहा कर जो आया, कभी कभी विधायक विधायक का दौड़ा मारते हैं तो वो कह करके चले जाते हैं, पानी की व्यवस्था आज तक खम्भे नहीं बिका, आज से दिक्कत तो बहुत दिन से है। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इस गांव में दूसरा हैंडपंप लग सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।